हे गाइस, सो रिसेंटली गूगल ने 2021 में इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली मूवीज की एक लिस्ट को पब्लिश किया था और इस लिस्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म शेरशाह सेकंड पोजीशन पर रही। तो आप इससे ये तो समझ ही गए होंगे कि 2021 में फैंस के बीच इस मूवी का कितना ज्यादा क्रेज रहा। सो आज इस वीडियो में हम इसी फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सीधे बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। ऑलराइट, तो आप में से बहुत से लोगों को पहले से इस फैक्ट के बारे में पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता है ये उनके लिए है। सो इस फिल्म की स्टोरी कारगिल वॉर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ पर आधारित थी, जहां इस फिल्म में हमें उनकी फर्स्ट पोस्टिंग से लेकर उनकी कारगिल वॉर में डेथ तक की स्टोरी देखने को मिलती है। 1999 में जब पाकिस्तान ने कारगिल पर कब्जा कर लिया था, तब कैप्टन विक्रम बत्रा की कमांड पर इंडिया ने कारगिल की दो महत्वपूर्ण चोटियां 0.5140 और 0.4875 पर जीत हासिल की थी, और 0.4875 पर जीत हासिल करते समय ही कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए थे और उनके मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से भी नवाजा गया था, जिसे कि भारत का वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें पहली बार किसी फिल्म में विक्रम बत्रा का कैरेक्टर देखने को मिला हो। 2003 में आई फिल्म एलओसी कारगिल में भी कैप्टन विक्रम बत्रा का कैरेक्टर देखने को मिला था। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल प्ले किया था, पर इस फिल्म में उन्हें लीड हीरो के तौर पर साइन नहीं किया गया, क्योंकि विक्रम बत्रा की फैमिली चाहती थी कि विक्रम बत्रा का रोल कोई यंग एक्टर ही प्ले करे, क्योंकि जब विक्रम बत्रा शहीद हुए थे तब उनकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी, और जिसके बाद इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा को एज अ लीड हीरो कास्ट किया गया। आपको इस फिल्म का फेमस डायलॉग ये दिल मांगे मोर तो याद ही होगा, और आप ये भी जानते होंगे कि इस स्लोगन के यूज 90s में पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट में किया जाता था, पर इन लाइंस को इनकी असली पहचान कैप्टन विक्रम बत्रा ने दी है। कैप्टन विक्रम बत्रा को ये स्लोगन बहुत ही ज्यादा पसंद था और उन्होंने कारगिल वॉर के दौरान सच में इस स्लोगन के यूज अपने विक्ट्री सिग्नल के तौर पर किया था। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस फिल्म में हमें इस स्लोगन का एक रेफरेंस भी देखने को मिलता है। तो फिल्म की स्टार्टिंग में जब कैप्टन विक्रम बत्रा गफूर मियां की दुकान पर चाय पीने जाते हैं तो आप बैकग्राउंड में ये स्लोगन सुन सकते हैं। इसके अलावा भी इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इस फिल्म के अनाउंसमेंट के पहले ऐसा कंसीडर किया जा रहा था कि इस फिल्म का टाइटल मेरा दिल मांगे मोर होगा, पर फिल्म के अनाउंसमेंट के समय इस टाइटल को चेंज करके शेरशाह कर दिया गया, जो कि कारगिल वॉर के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम था। तो इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा हमें कैप्टन विक्रम बत्रा के रोल में नजर आए हैं, जहां ये पहली बार है जब किसी मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किसी रियल लाइफ कैरेक्टर को प्ले किया है। सो इस कैरेक्टर की प्रिपरेशन के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मिलिट्री की ट्रेनिंग ली थी, ताकि वो एक सोल्जर की मेंटालिटी और उसके डिसिप्लिन को समझ सके। साथ ही फिल्म में दिखाए गए सभी वार सीक्वेंसेस को सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बिना किसी बॉडी डबल के खुद ही प्ले किया है। इसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विक्रम बत्रा के बारे में और ज्यादा जानने के लिए विक्रम बत्रा के घर भी गए थे और उनकी फैमिली और फ्रेंड से भी मिले। साथ ही वो बहुत से उन ऑफिसर्स से भी मिले जो कि कारगिल वॉर के दौरान विक्रम बत्रा के साथ थे, जिससे सिद्धार्थ मल्होत्रा को कैप्टन विक्रम बत्रा की बॉडी लैंग्वेज, टॉकिंग स्टाइल और बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, और वो कैप्टन विक्रम बत्रा के कैरेक्टर को इतने अच्छे से स्क्रीन पर प्ले कर पाए। तो इस फिल्म में कई ऐसे सीन थे जो कि देखने में बहुत ही ड्रामेटिक और फ्रिक्शनल लगते हैं, जैसे कि कैप्टन विक्रम बत्रा का अपने दोस्त से कहना कि तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तो तिरंगे पर लिपट कर आऊंगा, पर आऊंगा जरूर। बस स्टैंड पर हाथ काट कर डिंपल की मांग भरना, गुरुद्वारे में डिंपल के साथ दुपट्टा पकड़कर फेरे लेना और उससे शादी करना, वॉर के बीच में पाकिस्तानी सोल्जर का माधुरी दीक्षित को मांगना, ये सभी सीन देखने में बहुत ही ड्रामेटिक लगते हैं, जहां देखने में लगता है कि इन सभी सीन्स को फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिल्म में डाला गया है, पर एक्चुअली में ये सभी सीन रियल हैं। इन सभी इंसिडेंट को कैप्टन विक्रम बत्रा की फैमिली और फ्रेंड्स ने अपने कई इंटरव्यूज में कंफर्म किया है। कैप्टन विक्रम बत्रा की फैमिली बताती है कि कैप्टन विक्रम बत्रा एक पूरे फिल्मी गाय थे और वो बॉलीवुड से हाईली इन्फ्लुएंस थे, और इसलिए उनके डायलॉग्स में एक नेचुरली फिल्मी टच था। इस फिल्म में फिल्म मेकर्स ने ट्राई किया है कि वो जितना हो सके उतना रियल विक्रम बत्रा को स्क्रीन पर ला सके। इस चीज के कई रेफरेंसेस हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। तो अपने एक इंटरव्यू में डिंपल चीमा ने बताया था कि विक्रम बत्रा एक फुली एनर्जेटिक पर्सन थे। वो कहती हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा कभी भी सीधा नहीं बैठते थे। वो जब भी विक्रम बत्रा के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाती थी तो वो अक्सर टेबल को टैप किया करते थे, और जब उन्हें ये करने के लिए मना किया जाता था वो टेबल को छोड़कर अपने पैर को फ्लोर में टैप करने लगते थे। और यही चीज हम मूवी में
कई जगह देख सकते हैं। तो जब विक्रम बत्रा गफूर मियाँ की शॉप पर चाय पीने जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो यही सेम चीज इस सीन में भी कर रहे हैं। इसके अलावा जब विक्रम बत्रा डिम्पल के घर जाते हैं तो आप सेम चीज को यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कुछ शूटिंग लोकेशंस के बारे में। तो इस फिल्म को चंडीगढ़, पालमपुर, कारगिल, लद्दाख और कश्मीर बेली में शूट किया गया है। फिल्म का सॉन्ग राता लंबियां रॉक गार्डन चंडीगढ़ में शूट किया गया है। वहीं इस फिल्म के कुछ कॉलेज सीन्स पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में शूट किए गए हैं। वहीं फिल्म में दिखाए गए वार सीक्वेंसेस को कारगिल में शूट किया गया है, जहां इन सीन्स को कारगिल के हाई एल्टीट्यूड्स में शूट किया गया है। और फिल्म की शूटिंग में इंडियन आर्मी ने भी क्रू का पूरा साथ दिया, और जिसके लिए फिल्म की स्टार्टिंग में इंडियन आर्मी को एक थैंक यू क्रेडिट भी दिया गया था। तो सहसा भी उन मूवीज में रही जो कि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते डिले हो गई। तो सबसे पहले शेड्यूल किया गया था कि इस फिल्म को 3 जुलाई 2020 को थिएटर पर रिलीज किया जाएगा, पर कोविड के चलते ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई। और जिसके बाद 20 फरवरी 2021 को एक नई रिलीज डेट को अनाउंस किया गया, जो थी 2 जुलाई 2021, पर बाद में इसे भी पोस्टपोन कर दिया गया। और फाइनली 12 अगस्त 2021 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया, जहां फिल्म को देखने के बाद ज्यादातर मूवी लवर्स का कहना था कि ये मूवी OTT के लिए नहीं है, बल्कि इस तरह की फिल्म सिर्फ थिएटर्स के लिए होती हैं और सहसा मूवी को थिएटर्स में रिलीज करना चाहिए था। तो इस फिल्म में कई ऐसे सीन थे जो कि हमें इंडियन आर्मी के एथिक्स और मेंटालिटी को बताते हैं। जैसे कि फिल्म का एक सीन था जब इंडियन आर्मी एक पाकिस्तान के झंडे के ऊपर से दौड़ रही होती है, पर आपने ध्यान दिया होगा कि कोई भी इंडियन सोल्जर पाकिस्तान के झंडे पर पैर नहीं रखता है। इसके अलावा एक सीन में जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान के झंडे को उतार कर पाकिस्तान के झंडे की जगह इंडिया का झंडा लगाती है, तो आप बैकग्राउंड में एक इंडियन सोल्जर को पाकिस्तान का झंडा फोल्ड करते हुए देख सकते हैं। और साथ ही जब मूवी में पाकिस्तान अपने की बॉडी को लेने से मना कर देता है, तब इंडियन सोल्जर ही उनके सभी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और उन्हें अंतिम विदाई देते हैं। तब बात कर लेते हैं इस फिल्म के कुछ फाइनेंशियल एंड क्रिटिकल सक्सेस के बारे में। तो इस फिल्म को IMDB पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 31 अगस्त 2021 को अमेज़न ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, जहां उसने बताया था कि शेरशाह अभी तक अमेज़न प्राइम वीडियो में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली इंडियन मूवी है। इसके अलावा गूगल ने 2021 के लास्ट में एक लिस्ट को पब्लिश किया था, जिसमें गूगल ने इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली मूवीज की एक लिस्ट को पब्लिश किया था, और इस लिस्ट में शेरशाह सेकंड पोजीशन पर रही थी। और अगर हम बात करें फर्स्ट पोजीशन की, तो इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर सुपरस्टार सूर्या की फिल्म जय भीम थी। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।